हरिओम, मेरा नाम संगीता मल्लेश रेवन्नावर है और मैं पूना से हूँ। और यहाँ मेरा बेटा श्रीहरि मल्लेश रेवन्नावर, वो पिछले 4 साल से संत श्री आसाराम जी गुरुकुल इंदौर में पढ़ रहा है। यहाँ की पढ़ाई के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, यहाँ का पढ़ाई तो इतना अच्छा है कि हर कोई बच्चे को यह नसीब नहीं होता, ऐसा मेरा अंदर का फीलिंग है। क्योंकि बापूजी के आश्रम में जो बापूजी के स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ आधुनिक पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ संस्कार और संस्कृति दोनों का भी रक्षण होता है। और यहाँ पे उसके साथ साथ सब बच्चों का मतलब अंदर से विकास होता है। यह हमने अपने बच्चे में से और बाकी के बच्चों में जो परिवर्तन हुआ है, वो हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। तो यहाँ गुरुकुल का वातावरण भी अगर देखा जाए तो बहुत ही पवित्र और शुद्ध वातावरण है। यहाँ का खान पान, बच्चों का मतलब त्रिकाल संध्या करना, ध्यान करना, ये जो बातें हैं वो और स्कूलों में नहीं मिल सकती। और स्कूलों में सिर्फ आधुनिक पढ़ाई मिल सकती है, खेल कूद मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे खेल कूद के साथ बच्चों का संस्कार और संस्कृति दोनों में जो समझ है वो बच्चों का बढ़ता है, अंदर से उनका विकास होता है। यह देख के माँ बाप का मतलब माँ बाप को बहुत ही आनंद मिलता है यहाँ पे। और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में मेरे बच्चे को पढ़ा रही हूँ। और यही मैं आशा कामना करती हूँ कि बाकी पेरेंट्स को भी यह मतलब यह लगे कि वो यहाँ आकर देखे कि यहाँ का वातावरण कैसा है। और सबसे अच्छा कि यहाँ के टीचर्स का स्टाफ, ये जो शिक्षक यहाँ पे है, गुरुकुल का महत्व सिर्फ गुरुकुल से नहीं है, यहाँ के शिक्षकों से है। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के बाकी के जो टीचर्स हैं, वो इतने अच्छे हैं कि बच्चों को ऐसा लगता नहीं कि एक बार बच्चा आ जाए कि जाते जाते वो रोता ही जाता है। वो बोलता है कि यहाँ गुरुकुल का जो वातावरण है, हम चाहे घर में कितना भी उसको खिलाए पिलाए, लेकिन वो बोलता है कि माँ, जैसे गुरुकुल में जो वातावरण है वैसा वातावरण हम बहुत मिस करते हैं। जब भी छुट्टियों में 15-20 दिन के लिए बच्चे घर आते हैं तो 8 दिन के बाद सिर्फ रोने लगते हैं कि चलो हमको कब ये छुट्टियाँ ख़त्म होगी और कब हम स्कूल में जाएंगे। ऐसे तो बाकी के स्कूल के बच्चों का अनुभव तो हमने नहीं देखा, छुट्टी एंजॉय करने के लिए आते, लेकिन यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि बच्चे घर आके भी यहाँ का गुरुकुल का मिस करते हैं। इसका मेन कारण है कि यहाँ के टीचर्स का स्टाफ, उन सारे टीचरों को हम हृदय से नमन करते हैं, बच्चों में इतने अच्छे संस्कार डालने के लिए, और दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, इतने अच्छे सिखाते हैं कि हर कोई बच्चा सच में, जो बुद्धू भी बच्चा यहाँ पे आएगा वो अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है और मेरे खुद के बच्चे का भी अनुभव है। इसलिए मैं इस गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। मेरे सदगुरु संत श्री आसाराम जी बाप को भी मैं मन से दिल से प्रणाम करती हूँ कि ऐसे गुरुकुल में मेरे बच्चों को डालने की प्रेरणा सब माँ बाप को मिले, यही मैं सबके चरणों में प्रार्थना। मोटिवेशन है 3 S, जैसे प्रिंसिपल मैम हमेशा बोलती हैं, वैसे हमने अनुभव भी किया है कि शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति, ये तीनों यहाँ पे मन से दिल से सिखाया जाता है और ये बच्चों में अंदर से ये बीज डाला जाता है ताकि वो बच्चे आगे बढ़कर आगे जाकर जहाँ यहाँ की शिक्षा खत्म होने के बाद जब बाहर जाएंगे तब ये तीनों को साथ लेके निकलते हैं। बाकी के स्कूल में जैसे आधुनिक बच्चा ही लेके बच्चा बाहर निकलता है, वैसे नहीं, यहाँ का तीनों संस्कार, संस्कृति और शिक्षा तीनों लेके बच्चा बाहर निकलता है ताकि हम पेरेंट्स को ये लगेगा कि हमारा बच्चा आगे जाके कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, आगे की जितनी भी पढ़ाई होगी वो अपने ये तीनों संस्कारों के लेके आगे बढ़ेगा। ये हमारा खुद का अनुभव है।